आज यूपी को मिलेगी मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की सौगात। मेरठ के सरधना में पीएम मोदी रखेंगे यूनिवर्सिटी की आधारशिला। 700 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा खेल विश्वविद्यालय। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। 2022 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। सीट को लेकर पार्टी संगठन करेगा ऐलान। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज आएंगे यूपी के दौरे पर। आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी करेगी रोजगार गारंटी महारैली। केजरीवाल चुनाव से पहले कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कन्नौज में अयूब और याकूब के घर पर फैक्ट्री पर जारी है छापेमारी। 5 करोड़ रुपए कैश बरामद। भारी तादाद में सोना भी जब्त। मऊ के बरातपुर गांव में किसानों ने रोका भाजपा एमएलसी एके शर्मा का काफिला। 17 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे किसान। आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने खत्म किया धरना। शनिवार को बाराबंकी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जन विश्वास यात्रा में हिस्सा लिया। 2 जनसभाओं को किया संबोधित। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा राष्ट्रवाद के लिए होता है मतदान। शामली में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा यूपी को परिवारवादी नहीं राष्ट्रवादी सरकार चाहिए। सहारनपुर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को किया संबोधित। जनसभा में ओवैसी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय पर मासिक बैठक में हंगामा हो गया। सपा कार्यकर्ता ने महानगर अध्यक्ष को चूड़ियों का डिब्बा देकर उनकी कार्यशैली पर उठाए सवाल। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस पर्यवेक्षक तिलक राज शर्मा ने जिला कार्यालय पर की कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया।